Okay, then good evening, my Insta family. I can't make out if I've gone live, but now I can see people joining in. So we are live. Our aaj special big Insta live hai with one of my old friends, जिसको काफी सालों से मैंने cover किया है as a cricket journalist. आप लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है. You know, he's the prince of cricket, I call him. So now I'm just going to send a request to me. अच्छा, उनकी कई ढेर सारे knocks है which I've enjoyed personally being at the stadium. आप लोगों के भी सवाल लूंगा if you have some of them as soon as I can get him online. I think there he is with his new hairstyle. Brother, how are you doing? I'm already here. I can see you now. But your connection is freezing. Yeah, man, we haven't paid the bills. You know, I'm not making any money these days, so it's not great. अच्छा, talking about money, पहले आप मुझे ये बताएं आप कहाँ पे हैं? You know, वो rich लोग होते हैं ना जिनका घर होता है London, Paris, New York. वैसे आप है कभी गुड़गांव, कभी मुंबई, कभी चंडीगढ़, कभी लंदन. So कहाँ पे हैं? Where is the superstar? हम तो गुड़गांव में हैं. तो ना तो हम लंदन में, ना न्यू दिल्ली में, बड़ी बड़ी जगह पे, छोटे से शहर में हम छुप के बैठे हुए जैसे सारे बैठे हुए. I saw the post that you put, our picture with the World Cup trophy, with correct. The trophy. Yes, aapko yaad hai? Do you remember when I took that picture? You won't remember. I remember. It was right the next day jab aap jeete the. This is at Taj Palace. तो आई हैड द रूम इन द ओल्ड विंग. आप लोग नए विंग में थे तो बड़ी मुश्किल से मैं स्नीक इन करके वो विंग में आया था आपके विंग में. एंड बिफोर यू वर लीविंग आई कॉट यू फॉर एन इंटरव्यू. और ये वो ताज का एक लाउंज था बिफोर यू गाइज वर लीविंग. आई थिंक आप प्रेसिडेंट को मिलने गए थे उसके बाद. तब की पिक्चर है. नाइस पिक्चर. एंड मुझे हाँ वो आई नेवर फॉरगेट दैट नाइट. उसको हमने शो किया था एंड आई नो यू गाइज वर पार्टिंग. नेक्स्ट डे मैंने बात भी करी थी कि क्या क्या किया उस रात को. वो तो एक्चुअली अभी 2000 लोग ऑनलाइन है, डिस्कस कर सकते हैं. 2000 बहुत है फॉर यू, इट्स क्वाइट लेस. अच्छा मुझे एक चीज बताया, यू नो यू आई हर्ड यू द अदर डे सेइंग कि व्हाट नेक्स्ट फॉर युवराज सिंह. तो मैंने सुना कि युवराज सेट की यार कॉमेंट्री में मैं इतना शौक नहीं हूं, मैं कोचिंग करूंगा, वो सब तो ठीक है. बट माई क्वेश्चन इज, why have you not considered acting as your second profession? Iske piche do reason hai, main aapko dunga fir aap jawab dena. Ek to jo kehte hai ki bhai jo film fraternity hai na usme nepotism bahut use hota hai. To aap nepotism ka kya matlab hota hai? Matlab usi khandan ke logo ko hi chance milta hai. To us lihaz se to aap hai filmi khandan se hai na. Aapki wife wahan se hai, father aapke hai, to wo ek to tick mark ho gaya aapka. दूसरा, मैंने आपकी एक्टिंग देखी है. अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो जरा यूट्यूब में जाएं, युवराज सिंह एज चाइल्ड एक्टर क्लिप है वहां पे, जरा देखें. मुझे पता था तू मुझे बुलाएगा. ये मेरे फैंस लोग ने ना अब कल को इसी की स्टोरियां करनी है, देख लियो. युवराज सिंह इतनी अच्छी अंदाज में एक्टिंग में देखा जाएगा. नहीं पर क्यों नहीं, योर फादर डिड सो वेल एंड आप भी करते. अच्छा वो शाहरुख के साथ आई रिमेम्बर आप स्टेज पे इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी, डांस, एवरीथिंग. व्हाई नॉट यार? द थिंग इज दैट यू नो समटाइम्स इट्स फन एक्टिंग समटाइम्स व्हेन यू इन माय प्लेइंग डेज यू नो व्हेन यू डूइंग स्पेशल्स एंड ऑल इट्स फन टू डू एक्टिंग. पर अभी क्या है कि यू नो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट फॉर 25-30 इयर्स अब ना मैं थक गया हूँ. तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए. सब बोल रहे हैं कि यार यूवी नेक्स्ट क्या कर रहा है, कॉमेंट्री में नहीं आ रहा या कोई और लीग्स नहीं खेल रहा. बट यू नो आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स बंदा थक जाता है यार. सही बात. सो आई थिंक आई जस्ट नीड अ ब्रेक. एंड अभी क्या है जो द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो चले आई जस्ट नीड अ ब्रेक, दैट्स ऑल. अच्छा ठीक है, मे बी आफ्टर द ब्रेक यू कैन कंसीडर. आई जस्ट गिव यू एन ऑप्शन, जब आपको लगे आपने अच्छा रिलैक्स कर लिया आफ्टर दैट. आई विल ट्राई. ओके अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क, ये चीज आई डोंट नो इफ यू स्पोकन अबाउट इट, बट व्हेन आई सॉ दैट फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट MS धोनी वाली जो फिल्म है, माय फेवरेट मेमोरी ऑफ दैट फिल्म वाज द युवराज सिंह सीन.
जब एक डूड सा बंदा आता है हेडफोन्स लगा के और चलता है वहां पे, तो जो बिहार की टीम है वो वैसी फ्लैट हो जाती है. एंड दैट्स द यू नो वे देव शोन यू ऑल्सो इन दैट. आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट इमोशनल सीन फॉर मी इन दैट इंटायर फिल्म, द वे दे शोड यू एज अ स्टड. आपने वो देखा एंड इफ व्हेन यू सॉ मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, क्या वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन था एंड हाउ डिड यू सी दैट? I think not really well. I think the swag and I don't know. See, I don't know how I walk. It looked nice. और मैं मोटरसाइकिल नहीं था मेरे पास. अच्छा वो अभी सी थोड़ा और फिर पॉइंट दिखा दिया गया, वो बंदा मोटरसाइकिल पे है. हम लोग बस में गए थे. आई थिंक आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर दैट वी हैड क्रॉस द टीम. कौन सा कोर्ट था? आई डोंट टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट. बास्केट बास्केटबॉल कोर्ट. आई रिमेम्बर क्रॉसिंग द टीम एंड ऑब्वियसली नॉट मच ऑफ इंटरेक्शन. आई यूज टू वेयर माई हेडफोन्स अलॉट. आई हैड अ वॉकमैन एंड दोस टाइम्स वी हैड अ वॉकमैन. तो मैं अपनी धुन में ही रहता था बिकॉज द ओनली वे आई कुड स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक. तो आई रिमेम्बर प्रॉब्ली एक दे वॉक्ड बाय एंड आई वॉक्ड बाय एंड आई गेस आई वॉज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन इन अंडर 19 दैट टाइम. सो शायद उनको लगा होगा कि यू नो मे बी वी हैव टू गेट हिम आउट. और लेकिन वो जो लड़के की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. आई थिंक ही लुक्ड क्वाइट सिमिलर. बट उसने जो बैटिंग की है ना उस मूवी में, बड़ी गंदी शॉटें मारी हैं उसने. सिलेंडर की तरह शॉटें मारी है. मैंने कहा यार इतनी खराब शॉटें मारता हूँ मैं. I don't know how I played for India ऐसी बैटिंग करके. नहीं बट आपकी तरह बैटिंग लोग कर नहीं सकते ना, अगर करते तो फिर कितने लोग युवराज सिंह होते, बट वो पॉसिबल नहीं है. अच्छा लेकिन उसके बारे में ना, कूच बिहार जो हम ट्रॉफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने एक कहानी यू नो इन द क्रिकेटिंग सर्कल सुनी थी कि जब यूवी ने वो 358 रन बनाए थे तो शाम को जो आपके पंजाब टीममेट्स है ना, उन्होंने बोला था कि यूवी यार आज तो पापा को फोन करके बता कि आज 350 रन बनाए हैं. एंड यू वी टोल्ड हिज फ्रेंड, वो रहने दे यार, आज भी गाली पड़ेंगी, वो कहेंगे 400 क्यों नहीं बनाए. इज दैट Yeah, ऑल्सो अ ट्रू स्टोरी? definitely that is because I know my dad so well and I actually called him after that अच्छा and he said क्या किया तूने? तो मैं कहा जी बिहार ने बनाए 357 और मैंने बनाए 358. कहते अच्छा तूने कितने बनाए? मैंने कहा बोलता रहा हूँ 358. कहते एक रन ज्यादा, बस 400 नहीं बनाया. मैंने कहा यार आप बच्चे की जान लोगे. एंड आई थिंक ही वाज एक्चुअली जोकिंग. ही वाज हैप्पी विद, आई एम श्योर ही वाज हैप्पी विद 358. तो या आई डेफिनेटली रिमेम्बर बिकॉज आई न्यू दैट माय डैड वाज नेवर हैप्पी विद एनी स्कोर आई वुड गेट. And he would say, I want more, this is not good enough. So he just, he was all. अच्छा सॉरी आई लॉस्ट यू देयर. कई कमेंट्स आ रहे हैं विच वॉज पार्ट ऑफ दैट फिल्म इज वेल, जिसमें वहां धोनी कहता है कि धागे खोल दिया हमारे यूवी ने, जो इतना मारा ना मैं आज अकेले बंदे ने. एनीवे आपने कहा कि यू वांट टू बी अ कोच, सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, शुरू में योर फादर वॉज योर कोच, एंड वेन यू बिकम अ कोच वट काइंड ऑफ अ कोच विल यू बी? विल यू बी अ कोच लाइक योर फादर, जो 5 बजे सुबह ठंडे बकेट का पानी जैसे आपने किताब में लिखा है फेंक देता है प्रैक्टिस के लिए, या विल यू बी अ सॉफ्ट कोच कि नहीं यार मूड पे है तो आज प्रैक्टिस कराएंगे, नहीं है तो नहीं कराएंगे? Oh, I'll be much better coach than this coach is out there. Oh shit, I shouldn't have said that. No, but the thing is that what is being a coach is very different from being a player. Because as a coach, you are responsible for all 16 guys or 20 people, you know, who are working with the team. So it is a lot of hard work. I've seen Gary Kirsten, who is probably our best coach, and you know Paddy Upton, who was working with him. Those two guys, like I saw that this is how a team is coached. So I think coaching is a lot of sacrifice, and it is a lot of you know you cannot
यू कांट से कि यार मैंने इतनी क्रिकेट खेली है तो तू मेरी बात सुन और यू नो परफॉर्म लाइक आई एम सपोज दिस इज हाउ यू सपोज टू परफॉर्म यू नो यू हैव टू मेक श्योर एज अ कोच दैट यू हैव अ ग्रेट रिलेशन विद एवरी प्लेयर बिकॉज एवरी रिलेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट यू नो इफ यू सी प्लेयर्स लाइक Hardik Pandya and then you have an extreme guy like Jasprit Bumrah. You know, very different personalities. But then how do you get the best out of them? You know, you probably tell Jassi good night at 9 o'clock and you said, Hardik, come on, let's go for a drink at 10 o'clock. Yeah. So, you know, you have to manage every player differently and get the best out of them. A lot of coaches don't understand that players who are not able to perform, what are the reasons that they're not able to perform on field? Because off field, there are a lot of things going out. Right. So, with Paddy Upton, we could really discuss things or, you know, our fears outside cricket. So, I think the coach, he international coach, aapko kitni technique sikha sakta hai? You know, aapko wo jaan nahi bata. You are playing international, you already are so skillful. Correct. But the only way he can best out of you is obviously spending time with you and getting you out of if you're having a bad patch, how to get you out of that. Wo zaruri nahi hai ki wo practice se hoga. Maybe, you know, it can, like, I remember, like, when Zahir Khan came back from his injury, Zach was struggling. And Gary took him to the ground and took him to the center of the wicket. And took him on the side and chal ke tu yaar, tu just bowling dal, leg stump pe gir rahi hai, off stump pe gir rahi hai, don't worry. Just have a feel of coming back to cricket. Yeah. And I remember Zach, first innings bowled, didn't bowl really well. But in the second innings, he came back and took 5 wickets against Sri Lanka and you know, won the test match for us. So I think player or coach ka relationship is very important. अगर आप प्लेयर हाँ बट यू यू कैन नॉट ऑल्सो बी अ यस मैन ऑल द टाइम बिकॉज इफ यू आर नॉट चैलेंजिंग योर कैप्टन और इफ यू आर नॉट चैलेंजिंग योर प्लेयर देन यू प्रॉब्ली आर नॉट टेलिंग हिम वेर इज फॉलिंग सो आई थिंक एज अ कोच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट योर सेल्फ इन प्लेयर शूज एंड अंडरस्टैंड कि यार ये जो प्लेयर है ये प्रॉब्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज यू नो समथिंग इज गोइंग आउटसाइड नॉट बिकॉज इज नॉट If he's batting for an hour, if he's training for 2 hours, if he's putting in the hard work, the results are not coming. But there are times when mentally he's struggling. So that's why I feel ke abhi jo ladke hain, mental side pe koi baat karne wala hi nahi hai. You know, we don't have any guys like Rishabh Pant, guys like Prithvi Shaw. They are so talented. And obviously, unfortunately, scrutiny bhi itni zyada hai because you know, media. Social media, the media, so many channels. One game you fail, it feels like you failed the series. So, there's nobody like to talk to them mentally, ke yaar, you know, what's going on? How can we get better? Or probably don't do this or don't do that. Share your experiences. So, I really think, main actually har baar bol chuka hoon ki ek achha psychologist chahiye hamein. Team ke saath. But wo psychologist should be, players should respect that guy. Not somebody like, you know, if you put somebody who's not from that department, the players might not respect that because younger players actually, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम नहीं सुनते हमें लगता है हमको माँ बाप से भी ज्यादा पता है हमको कोचेस से भी ज्यादा पता है तो आई थिंक कोचिंग इज अ वेरी बिग टास्क टू बी अ रियली गुड कोच I would expect, क्योंकि आप ये बता रहे हैं, you know, एक कोच का काम है प्लेयरों से बात करना है. I would expect the current coach in Ravi Shastri, because वो प्लेयर भी रह चुके हैं पहले, प्लस आपके सीनियर भी हैं, आप दोनों के बीच बैंटर मैं देखता हूँ, जूनियर सीनियर का ट्विटर में कभी कभी बैंटर चलता है. तो एज अ सीनियर उनको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई एक प्लेयर जब सिचुएशन में है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, बींग अ फॉर्मर प्लेयर हिमसेल्फ. आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं हैंडल कर पा रहे? व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. नहीं, मैं आई वांट टू नो, जैसे आप कह रहे हो ना आजकल के टाइम जैसे लड़के हैं शायद उनको उतनी अच्छे से केयर नहीं मिल पा रहा, जैसे आपने ऋषभ पंत का एग्जांपल दिया या किसी और का एग्जांपल दिया. तो एज एन आउटसाइडर मैं जैसे यू नो हु ऑब्जर्व्स थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, हमें लगेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक फॉर्मर प्लेयर अगर कोच है तो शायद मदद मिल जाए, कैन बी लुक्ड आफ्टर
क्या ये एक ऑप्शन नहीं है एज अ कोच, अगर फॉर्मर प्लेयर होता है वो बात कर सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड? No, I'm sure under Ravi Shastri, players have done really well. They won in Australia and they done quite well. But my point is that you can, as a coach, I don't know how Ravi is. I haven't hardly played under him. I know that you cannot have a particular way with every player. Right. You have to have different ways with every player. And I don't see that with the coaching staff. I mean, you have guys like Vikram Rathore. I mean, he's been my senior. Yeah. He's been a mentor at times when I was playing state. But to due all respect, if someone has not played cricket at that level for a longer time, the younger generation, which is, you know, more prone to T20 and 50 over, what are you going to tell them? What you, Vikram Rathore might tell them that, you know, technique or how to hit the ball. But there's nobody to work on the mental side. The captain can only do so much. The coach can only do so much. That's why I'm saying that you need a psychologist who actually talks to players after a particular session or that. मैं कह रहा हूँ कोच सारा टाइम ये काम नहीं कर सकता, कोच को और 10 काम नहीं करने, बट आई फील कि आप एक ही तरीके से सब प्लेयर से बात नहीं कर सकते कि ओ जाओ और खुल के खेलो. यू नो यू कैन टेल वरिंदर सहवाग गो एंड प्ले योर गेम, बट यू कांट टेल चेतेश्वर पुजारा गो एंड प्ले योर गेम. यू नो गो प्ले लाइक सहवाग और प्ले टेल सहवाग टू प्ले लाइक पुजारा. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ ऑन द फील्ड, बट हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट गाय टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन द फील्ड? Right. So, I just felt that, you know, big example in the World Cup 2009. Like, you know, I don't understand that what is the thinking in the middle order. They think that, okay, Virat Kohli scoring a lot of runs, Rohit Sharma scoring a lot of runs. They're taking guys, Vijay Shankar at number 4 and Rishabh Pant replaced him. The guys have played 4-5 games in the World Cup. I mean, before World Cup. Yeah. And they don't perform in current situations, and you know you start scrutinizing them. So what is that planning? Like Raidu, he was playing for India for a year after I got dropped. He scored 90 in New Zealand. Then they dropped him last minute. So I'm just saying that, you know, somebody needs to be challenging these calls. Okay, bhai, ye kya ho raha hai? How can you can't do that to a player? Amuti Raidu, who scored 90 in New Zealand, comes to India, fails 3 innings against Australia, he's not in the World Cup squad. Why? Because he didn't have a good IPL. So just to get an idea, Yubi, who in your time, in your setup, who usually challenges? कई बार होता है कि आप भी जब खेल रहे थे, हो सकता है not all calls were right. जब ऐसे calls होते हैं, who challenges? Is it the captain who usually challenges such calls? Who or a vice captain? क्या कैसा होता है team का setup? I mean, we didn't have. From 2003 World Cup, when we came this side, you know, me and Kaif went to the World Cup playing almost 50-60 ODIs. I had played about 60 ODIs. Kaif had about 40 ODIs. So we went with some experience. But you can't go in a World Cup with the guys that played 5 ODI games and 3 ODI games. So I'm just saying there has to be a thought process going into such a big World Cup. Like now, if the T20 World Cup happens, matlab, वो प्लेयरों को जाना चाहिए ना जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और खेले हुए हैं. सडनली लास्ट मोमेंट में तुम कह दोगे जी चलो मैं ये प्लेयर लेके जाना है बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है, तो ना तो उस पे फेयर है, टीम पर फेयर है, एंड इट्स नॉट फेयर ऑन द गाय हु इज बीन ड्रॉप्ड इंस्टेड ऑफ हिम, बिकॉज आई डोंट थिंक, आई मीन दैट्स व्हाई व्हेन आई स्पीक टू सिलेक्टर्स आई टेल देम दैट यू नीड टू चैलेंज कॉल्स दैट हाउ इज दिस हैपनिंग, बट अब सिलेक्टरी भेज रहे हैं जो 5-5 वनडे खेले हैं, 3-3 वनडे खेले हैं, तो वो खुद ही 5 वनडे खेले हैं या खुद ही 3 वनडे खेले हैं, तो उनका भी माइंडसेट फिर वैसे ही है. सो दीस टाइप ऑफ थिंग्स नेवर हैपेंड व्हेन सौरव वाज कैप्टन और माही एट द टाइम आल्सो, यू नो व्हेन वी प्लेड 2011 वर्ल्ड कप वी हैड अ वेरी एक्सपीरियंस टीम. 2003 वर्ल्ड कप वी हैड अ डिसेंटली एक्सपीरियंस टीम, आवर सीनियर्स वर वेरी एक्सपीरियंस एंड द न्यू गाइज वर प्रीटी मी कैफ एंड मोंगिया. तो मतलब आप अभी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए जाओगे, आप नई टीम उठा के थोड़ा लेके जा सकते हो, पर कोई पता नहीं इनका नई टीम भी उठा के ले जाए कि नहीं यार मेरे को ये बंदा पसंद है, ये क्या शॉट है मारा नेट में, इसको ले जाते हैं अभी.
वो तो अच्छा हुआ आईपीएल नहीं हुई, नहीं तो ऐसा भी हो जाता है जैसे आपने कहा, दो आईपीएल इनिंग देख के भी कई बार हमने देखा है टीम में आ जाते हैं लोग। एनीवे मैं अपना आपके पर्सनल तीन नॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, दो उनमें से ऐसे हैं जो मेमोरेबल हैं, एक जो इतना मेमोरेबल नहीं है। तो मैं पहले दो मेमोरेबल वाले से बात करता हूं। वन इज दैट 2011 चेज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 50 बनाया, दूसरा इन दैट पाकिस्तान चेज इन 2003 इन सेंचुरियन। मैं ये दो नॉक्स इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि जब भी युवराज से बात होती है एवरीवन टॉक्स अबाउट हिज यू नो 2007 T20 वर्ल्ड कप नॉक्स, छह छक्के, नैटवेस्ट वाला नॉक, यू नो नैरोबी वाला डेब्यू, ये सब तो है फेमस। लेकिन आपको लगता है ये जो नॉक्स दो मैंने बताए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप चेज, 2003 पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप चेज, जो कॉन्टेक्स्ट था, जो सिचुएशन थी, ये उतने अप्रिशिएट नहीं किए जाते जितने आपने उस टाइम जिस प्रेशर में खेला था। हाउ डू यू सी दीज टू नॉक्स? Obviously, when you start from, say, if you start 2003 against Pakistan, एक तो from my debut in 2000 till 2003 हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेले नहीं थे because of whatever issues. And then suddenly, you look at the bowling, Shoaib Akhtar, it's Wasim Akram, it's Waqar Yunis, Abdul Razak, and Shahid Afridi has been a new like, luckily, first game I played Brettley in 2000, so I played that kind of pace. But it was quite nervous. I remember it was I couldn't sleep really well. और मुझे याद है जब मैं बैटिंग करने जा रहा था, सचिन आउट हुआ शोएब आउट हुआ था, करेक्ट, शोएब की शोएब बॉल अख्तर को बाउंसर पर 98 पर, मतलब करेक्ट। सचिन वाज लिटरली रनिंग थ्रू देयर अटैक। एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वॉकिंग, आई रिमेम्बर द इंडियन इंडियन क्राउड चेयरिंग एंड आई रिमेम्बर द पाकिस्तानी क्राउड बूइंग, व्हिच एक्चुअली मेड मी मोर नर्वस। एंड शोएब अख्तर वॉज बॉलिंग 152, 153, 150 एंड फर्स्ट बॉल मुझे जाके खेलना था उसका, तो आई वॉज प्रेटी नर्वस। आई रिमेम्बर फर्स्ट ब्लॉक तो खुद ही आके लगी बैट पे, एंड सेकेंड बॉल आई जस्ट ब्लॉक द बॉल एंड द बॉल जस्ट रेस्ट टू द बाउंड्री एंड आई थिंक द स्पीड, आई समटाइम लुक एट स्पीड, इट वॉज लाइक 150 प्लस 152 या 153 की स्पीड पे वो चौका गया। So, I was quite nervous, but and also there was a lot of chat going on between India and Pakistan guys. We're having a go at each other all the time, and that kind of pressure. And then when the game went on, obviously the wicket was really good, and I felt that I hit the ball, really well with. I had time to have that partnership, but the moment I gained momentum, I just expressed myself. And I remember when Wasim Akram came to bowl, तब तक मैं 40 या 45 पे बैटिंग कर रहा था, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग टू हिम बिकॉज आई वॉज नॉट टाइम टू बैट एंड आई वॉज लाइक ही इज बीन माई फेवरेट बॉलर, तो वो भी था थोड़ा दिमाग में, एक रन लिया और मैं राहुल द्रविड प्लेड द होल ओवर टू हिम। So that pressure went away, and but I just as a young kid just went and expressed myself, and it was a great win for us because that time 270 280 was a big score in one day cricket with one new ball, because ball बाद में reverse होता होता था, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी victory थी, बहुत satisfying थी, और मेरे लिए बहुत satisfying था कि I felt that in these kind of situations I can, if I can play like that, then I'm supposed to be here. And then going to 2011 World Cup, again a very pressure game. That time, obviously, the mind was there, but the body was not. Because I was really struggling with my Correct. coughing and not breathing. Yeah. And same kind of pressure. It was Sean Tate, Brettley, and all these, Mitchell Johnson. So these guys all were like 150 plus. But good thing was it was a slower wicket, and it was a kind of situation where pressure it was a bit too much because I knew that we lost to them. इनसे हार गए 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में, एंड इट प्लेड ओवर द इयर्स दैट इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप वी हैव टू क्लियर, सो दैट वाज बैक ऑफ माइंड फॉर सो मेनी इयर्स।
एंड देन ऑब्वियसली गौती के बाद व्हेन माही माही गॉट आउट एंड एंड आई वाज लाइक एंड धोनी व्हाइल वॉकिंग ही सेड दैट शाबाश यूवी. सो ही इज नेवर सेड दैट एवरी टाइम ही इज गॉटन आउट बिफोर मी. सो यू नो द प्रेशर आई फेल्ट अ बिट मोर. एंड देन ऑब्वियसली रैना केम. इट वाज रैना करेक्ट. सेकंड गेम इन द टूर्नामेंट. लाइक ही हैडन गॉट अ हिट. सो आई जस्ट थॉट दैट के आई एम जस्ट गोना प्ले डाउन द ग्राउंड. ऊपर बॉल नहीं मारूंगा क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं आउट हो गया तो यू नो गेम्स ओवर. आई जस्ट केप्ट माई नर्व एंड आई जस्ट फेल्ट यू नो जस्ट हिट कीप ऑन हिटिंग द बॉल स्ट्रेट. एंड आई रिमेम्बर रायना ने आई थिंक हिट लीव फॉर अ सिक्स एंड देन ही हिट वन बाउंड्री. सो द प्रेशर कम्प्लीटली टर्न टू द ऑपोजिशन एंड आई जस्ट लाइक यू नो just went on and just till the end. I can't really justify the emotion when we won the game. नहीं It अच्छा was था. करेक्ट actually like you know like we won the it was like we won the World Cup. Now we can win the World Cup. The feeling was like now we can win the World Cup from here. The other inning that I wanted to talk to you about, as I said, ये दो memorable थी. एक जो memorable नहीं थी, this was the 2014 World T20 final versus श्रीलंका. Now, why what I wanted to know from you, उससे पहले तक युवराज सिंह was superman. I mean, he was one man who couldn't do anything wrong in international cricket, and fans also felt like that, like myself. That I think was the first game जिसमें इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म हुई होगी युवराज सिंह के. मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें कहा चंडीगढ़ के घर में लोगों ने पत्थर भी फेंके. हाउ डिड यू फील कि आई एज अ प्लेयर हैव डन सो मच फॉर द कंट्री, और अगर एक परफॉर्मेंस नहीं होती विच इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, हाउ डिड यू पर्सनली डील विद दैट एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट? No, I first of all I take full responsibility of that day that I didn't play well and like one or two overs a lot of dot balls went but I remember Malinga bowled like six really good Yorkers and neither myself nor MS nor Virat could get away from it. Correct. But you know every time they ask me about this I always take full responsibility that I you know didn't play well that day. Unfortunately, that day it was a World Cup final. You know, if it was a any other game or any other tournament, like I've seen a lot of players scoring 11 runs or 20 balls in IPL games, where you know, then the next game, the next game. So unfortunately, World Cup final tha, toh scrutiny bahut zyada hui. And obviously, I felt that day that like I remember. Who refused to talk to me, and the comments that were made about me and my career, and pretty much I was pretty much when I got back home, it felt like I was a villain. And I remember getting out from the airport, and luckily I had my headphones on, and I got attacked by the media, and they were literally shouting at me. And yes, there were some stones thrown at my house as well. So it was tough times. You know, I felt like a culprit. I felt like somebody's, you know, shot somebody and he's going to jail. It was quite a sad feeling in my career, but I bounced back from it. And you know, I still remember how I felt in that moment. And you know. In a player's career, you know, you won the T20 World Cup. You've been given credit. You won the 2011 World Cup. You know, you get some credit. But when you lose a World Cup, all the criticism comes on to you. You understand what I'm saying? When you win, you don't get that credit. But when you lose, all the criticism come on to like the other guys, I remember in the end were also not able to hit. But obviously because I had, you know, I had scored like 11 runs of 20, 21 balls, so criticism came everything onto me. So I remember Sachin making a tweet that day later in the day, and things and people actually understood. You know, people calmed down, the media calmed down. But I just went home. I remember I went home
I had a 6-6 is bad. I remember I put my India cap on that 6-6 is bad, and I thought my career was over. But see, as you said, you know, you've been a champion, a guy who's always bounced back from tough situations. Okay, final two questions I'll ask you before I let you go. ये IPL से जुड़े हैं. एक पहला तो ये मैं जानना चाहता हूँ. आप, I think you're one of the players who's played for the maximum amount of IPL teams. तो किस IPL टीम में खेलते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आया और कहाँ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि जल्दी जितनी जल्दी हो नेक्स्ट सीजन में कहीं और चला जाऊं तो बेटर है. I really enjoy. Obviously, I really enjoyed playing for Pune. Pune Warriors. I really enjoyed that. Even though we were not winning, but I felt we had some great teammates. Sara Shri, our owner, was fantastic. Even though we were not winning. Then when I went to RCB, I really enjoyed my season over there. Because I had probably the best IPL season. Yeah. And I was looking forward to, you know, play the next year for RCB as well. They put me in the auction. And they wanted to probably buy me again. And then that didn't work out. Then I went to Delhi. So, I never got the opportunity to play at one franchise for more than 3 or 4 years. Because... So, like, you know, see guys like Dhoni and Virat, they played, Rohit, they played for one franchise for so many years. So, now upper base banta hai, you know, you get used to conditions. So, you can prepare well every year. And every year I was moving, I was going in the auction and couldn't really settle. One place I actually wanted to run away was from Punjab after 3 years. But the crowd loved you there. The crowd loved me, but the management, you know, there were a lot of false accusations on me. Every time I wanted a player, they didn't give me my players. And it was amazing when I left. They had bought those same players when I left. So, I think support, but otherwise, you know, it was just like, you know, captain is just naam ka captain. So, I was actually happy to leave Punjab, and I loved Punjab. I love playing for Punjab, but I just wanted to get away from that franchise. Okay, last question. And since we are talking about Kings 11 Punjab, I'll talk about a batsman who's playing for Kings 11 abhi, KL Rahul. Recently, unse pucha gaya KL se ki, who do you think can break Yuvraj Singh's record of, you know, fastest 15 T20 jo unhone 12 ballo mein banaya tha? So KL replied saying that would be me with a smiley. मतलब मजाक करते हुए उन्होंने कहा. Recently Jofra Archer also said कि भाई the toughest batsman that I have to bowl in T20. आप लोग रोहित की बात करते हो, विराट की बात करते हो, लेकिन मुझे KL बहुत tough लगता है bowling करने में T20 में. But if I was to ask you, who do you think is that one guy who can break your record of that fastest 50? दो बंदे जो मुझे लगता था कर सकते हैं वो तो almost वर्ज ऑफ रिटायरमेंट पे, एक हो गया एक नहीं हुआ, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स. केएल डेफिनेटली कैन डू इट बिकॉज केएल हैज स्कोर्ड 50 और 14 बॉल्स इन द आईपीएल. बट यू नो स्कोरिंग अ 50 इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट, स्कोरिंग अ 50 इन आईपीएल इज डिफरेंट, बिकॉज इन इंटरनेशनल क्रिकेट यू एंड आईपीएल यू प्रोबब्ली गेट यू नो टू क्वालिटी बॉलर्स एंड देन. So I just feel that they're different levels. But I think KL definitely has the potential. I feel Hardik has the potential. I feel Hardik, someone is somebody who's got amazing talent, phenomenal talent. But probably somebody, again, as I said, needs to work with his head, where his head is. You know, he's such a hardworking guy. He's a nice guy, and he hits the ball like spectacular. I was in Mumbai Indians last year, and he got 90 odd of 30 balls. It was a phenomenal inning. He can actually be the next, you know, big all rounder for India, but crunch time pe performances nahi aati. Wo isliye nahi aati because, you know, he's a big hitter. He likes to big hits, but
when he starts to like, you know when to take a single or double and when to hit those big sixes, then he will actually evolve as a better player. So I think Hardik has massive potential to be a world-class player. It's if his, you know, if he really, if somebody really works on his mind, he can be a serious asset till we get to the next World Cup. That's perfect, Yuvi. Thank you so much. Aapne time diya and speaking to us and speaking your heart out as always, and I've always said. And I think aap lockdown ka wait isliye bhi kar rahe hoge khatam ho ki you can quickly go get a haircut. But I must tell you that I like this new style with the bandana with your hair. It's looking pretty cool, I must say. Yeah, hopefully I can maintain it. But lockdown mein, I think I just want to say that a lot of fans have come and always showed their love. So always my love and big thank you to my fans, always supporting in my tough times. But also, abhi aaj 8 p.m. the Prime Minister is going to speaking. Yes, he's going to speak and tell us what's happening. So I just request to people that we should listen, and we should not create chaos in our country. Agar theke ki dukaan pe jana hai, to thodi social distancing kar lo. So I just feel that we should all listen and, you know, try and maintain social distancing so that we all can live in peace and we can fight coronavirus till the end. Okay, brother. Thank you so much. I hope when this gets over, I'll come over to your house and see the Lamborghini. Pata nahi hai ya nahi abhi the yellow one. Is it still there? Or? Lamborghini ke din gaye. Ab ye, humare young ladke chala rahe Lamborghini. Inke paas se ab Lamborghini. Theek hai. Okay. Thanks, brother. Thank you so much. See you. Bye. Take care. Bye.